हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज जो मैं शेयर आपके सामने लेके आया वो है NBCC इंडिया। आप जैसा देख ही रहे हैं, ये NBCC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज़ की एक कंपनी है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका नाम है। जो इसका पुराना नाम था वो था नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, और 73% स्टेक गवर्नमेंट रखती है इसमें। और अब ये देख रहे हैं, ये जो जो ट्विन टावर इन्होंने बनाया है गुवाहाटी में, ये देखिए आप, रेलवे स्टेशन लखनऊ का बनाया हुआ है इनका, ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ का बनाया हुआ है। और अब ये देखिए SDMC न्यू दिल्ली का जो बनाया हुआ है, ये भी इनका बनाया हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखिए न्यू दिल्ली में जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये भी इनका बनाया हुआ है। तो ये सब आप कुछ देखेंगे जो कि इन्होंने बनाया हुआ है, प्रगति मैदान पर कुछ बनाया हुआ है। ये नेताजी नगर के न्यू दिल्ली में इनका कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया हुआ है ये, तो ट्विन टावर ट्रेड सेंटर गुवाहाटी में बनाया हुआ है। तो ये सब कुछ इनके कंस्ट्रक्शन किए हुए आप देख रहे हैं, जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट इनके पास है वो है। और अभी एयरपोर्ट का भी नया काम इनको मिला हुआ है, बॉम्बे एयरपोर्ट का जो है नया काम इनको भी, ये काम कर रहे हैं। तो अब ये तो हो गया इनके, क्या ये काम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग। और गवर्नमेंट के जितने भी आप देख ही लिया, रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो चाहे ये हो चाहे कोई गवर्नमेंट का कोई भी डेवलपमेंट हो, तो प्रायः NBCC करती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ही कंपनी है। अब अगर देखें इसके डाटा को देखें, तो ये जो क्लोज हुई थी, ये जो आपको 17 तारीख को क्लोज हुआ था, ये 56.30 पे क्लोज हुआ था। और ये जो 52 वीक लो है इसका 5150 है, तो ये अभी रिसेंटली ही बनाया है 5150 है। और इसका हाई आप देखेंगे 145 है, लेकिन बट ये स्प्लिट हुआ था, यहाँ पे 2:1 में स्प्लिट हुआ था, इसके कारण थोड़ा सा रेट नीचे गया था। तो फिर भी स्प्लिट होकर 2:1 में इसको 120-104 पे आना चाहिए था, बट ये गिर के 5150 पे आ गया। आज का हाई लो देखेंगे तो लो है इसका 5.55 या 59 के पास, लेकिन हाई से फिर वापस नीचे की ओर आ गया, मार्केट भी गिरा था। लेकिन अगर यहाँ पे सेंटीमीटर देखेंगे तो आपको इसको सेंटीमीटर देखेंगे तो इसमें सेंटीमीटर जो दे रहा है वो दे रहा है पाइन का दे रहा है। तो आपको कंप्लीट वहाँ पे देखेंगे तो पाइन का मिलेगा आपको इसमें सेंटीमीटर। बट अगर आप इसके और भी देखें तो ये अगर डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे आप यहाँ पे, तो देखेंगे 37% की डिलीवरी, 36%, 35%, 29%। तो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अगर ये आप पोजिशनल बेसिस और डिविडेंड भी देखिए, इसका 83% डिविडेंड देती है फेस वैल्यू 1 रुपया पे। तो आपको अगर यहाँ पे 1 रुपये का 83% कर दिए तो 83 पैसे 1 रुपये के आसपास जो भी आएगा आपको मिलेगा, डिविडेंड में मिलेगा। इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है, ये 10,125 करोड़ की कंपनी है और अपने बुक वैल्यू का 4.78 टाइम्स मिल रहा है अपने बुक वैल्यू का। क्योंकि इसका पी देखेंगे तो ये 27.71 बता रहा है, जबकि इसकी इंडस्ट्री की पी 21 है। तो ये चूंकि अपने पी से ज़्यादा है, इसके लिए इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और हो सकती है थोड़ी गिरावट इसमें और भी आ सकती है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं आएगा, तो हो सकता है इसमें गिरावट आपको देखने को मिले। बट मैं क्या कहता हूँ कि आप इसको पोजिशनल बेसिस पे बाई करें तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। ऑलरेडी आपने देखेंगे सारे मूविंग एवरेजेस को तोड़ के अपने 30 डेज के, 60 डेज के, 81, 150 डेज के, 200 डेज के मूविंग एवरेजेस को ऑलरेडी तोड़ के ये नीचे बैठा हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चलिए देख लेते हैं एक बार, तो आप खुद देखेंगे शेयर होल्डिंग पर 73% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पड़ा हुआ है। दूसरे को अगर दूसरे शेयर होल्डर देखेंगे अपने कौन कौन से हैं, तो LIC ने इसका 6% होल्डिंग करके रखा है। ये आप देखेंगे NRI इसको 0.38% लेकर रखी हुई है। तो यहाँ पे ठीक है, शेयर होल्डिंग परसेंटेज भी अच्छा दिख रहा है आपको, और लास्ट डील भी हो ही रही है इसमें। इसके फाइनेंशियल में देखें तो जून का जो फाइनेंशियल था वो कुछ ख़राब तो नहीं था, अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को जाकर के देखें तो कोई ख़राब तो नहीं था। ये देखेंगे आप सेल्स यहाँ पे जून 17 से 1260 करोड़ से बढ़ के 1600 करोड़ आया था, और अगर प्रॉफिट देखें तो 1140 करोड़ से 1400 करोड़ पर आया था। प्रॉफिट बिफोर देखें तो आपको 64 करोड़ से 62 करोड़ था। ओवरऑल ऑल एक्सेप्शनल आइटम देखें तो 83 करोड़ से 100 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था इन्होंने, और आफ्टर टैक्सेस 67 करोड़ 55 से। तो ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं कि कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसा नहीं है, ग्रोथ तो है इसका, ग्रोथ तो आपको देखने को मिल रही है। अब इसी चीज़ को अगर मैं एक चार्ट पे लेकर के चलूँ आपको, तो ये देखिए मैंने एक चार्ट लगा के रखा हुआ है इस पर, तो अब यहाँ पर एक सिग्नल दिखा आपको दिखाता हूँ। मैंने बहुत सारे चार्ट को दिखा जिसमें से ट्रेंड पता चलता है। तो अगर लीडिंग ट्रेंड में देखें तो अगर CCI का देखें, कमोडिटी चैनल का देखें ट्रेंड, तो ये 4+ बता रहा है आपको। अगर MACD देखें लैगिंग इंडिकेटर, ये भी प्लस बता रहा है कि निकल रहा है ऊपर की ओर जा रहा है। आप देखिए खुद ही देखिए ना, ये देखिए ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो आप इसको देखिए
या चलिए आपको आरएसआई दिखाता हूँ, आरएसआई यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आरएसआई आपको 39-40% के आसपास मिल रही है, ये भी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो एक पॉजिटिव ट्रेंड तो लेगा, हो सकता है ये ऊपर की ओर ले और चाहे नीचे की ओर ले, कहीं पे भी ले आपको इशू नहीं है। आपको तो इसको पोजिशनल बाई करना है, आप तो हर महीने 100-100 शेयर इसको खरीदिए, आप 5000 के एसआईपी तो करते, इसको एसआईपी कर लीजिए, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, अब गारंटेड रिटर्न दे सकता है। हो सकता है ये 92 आपको एक साल के अंदर दिखा दे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इसमें अनाउंसमेंट भी है और आप खुद देखेंगे इसके अनाउंसमेंट को भी, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, इसके न्यूज़ को देख सकते हैं। अगर आप इसके न्यूज़ को देखें तो देखिए अभी रिसेंट न्यूज़ है इसका, इसका न्यूज़ है कि एनबीसी टू मोनेटाइज एयर इंडिया टू प्रॉपर्टीज इन नेशनल कैपिटल। तो एयर इंडिया के प्रॉपर्टीज में भी वहाँ पे काम कर रही है। तो एनबीसी कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ट्रेनिंग 20,000 इन 6 मंथ। तो यहाँ पे काम भी हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें काम नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे आप इसको लेके पोजिशनल बेसिस पर रखिए और देखिए, और ये आपको 92 का भी भाव दिखा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये आपको 92 का भाव दिखाता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको बहुत बड़ा कोई ये नहीं मानता हूँ कि बहुत बड़ा चीज़ है, दिखा सकता है आपको। तो ठीक है, आप होल्डिंग कीजिए, इसको रेसिस्टेंस है थोड़ा सा नीचे, पी रेशियो के पी के चलते जा सकता है ये नीचे, लेकिन बहुत गिरावट तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो आपको देखने को मिली थी 51-50, 11-10-2018, ये लगता है सफिशियंट है। और अगर यहाँ से कोई तोड़ता है तो ये ओपन स्काई में जा सकती है, हो सकता है 40-45 भी दिखा दे आपको। बट आपको हर बार ये देखिए, आपको जो यहाँ पे स्प्लिट किया था ये 25 अप्रैल 2018 को 2:1 पे स्प्लिट किया था ये, तो कोई इशू नहीं है। तो मैं कहता हूँ इसको पोजिशन पे आप 100-100 शेयर मंथली बाई कीजिए और इसको होल्ड में रखिए। और अभी जो करंट, अगर किसी को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्विंग ट्रेडिंग करनी है पोजिशन पॉइंट, तो भी बाई करके आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपसाइड अभी दिखा रहा है तो हो सकता है कि आपको टाइम बिंग इसको अगर पोजिशन मैंने कुछ दिन के लिए होल्डिंग करके आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसमें दिख रहा है, सिग्नल दिख रहा है मुझे, सबसे अच्छा सिग्नल इसका दिख रहा है। आप देखिए ये सिग्नल कितना अच्छा सा सॉलिड जनरेट कर रहा है यहाँ पे, तो इसके सिग्नल से मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंग जनरेट हो रही है। ये सारा चीज़ मैंने एजुकेशन पर्पज़ से बोला है आपको, आपको लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से जरूर बात करनी है। फिर भी आप चाहें तो अपने पेपर ट्रेडिंग के लिए नोट करके इसको काम कर सकते हैं। नीचे दिए बटन को सब्सक्राइब करें और लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।